क्योंकि भविष्य में क्या होगा बांग्लादेश में, इस तो भारत पे असर पड़ेगा। मेरे मन में एक ही स्टैंड ले सकते हैं हम कि हम बांग्लादेशी जनता के साथ। पर जिस तरह तक बांग्लादेश का जो इश्यू चल रहा है उस पे भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, चूंकि शेख हसीना इन दिनों भारत में ही है। देखिए, मेरे मन में एक ही स्टैंड ले सकते हैं हम कि हम बांग्लादेशी जनता के साथ हैं। ये हम तो एक लोकतांत्रिक देश है और हम नेचुरली उनको छोड़ते हैं ये जिम्मेदारी कि वो लोग तय करें कि उनके भविष्य में उससे देश कैसा चलना है। तो इस विषय में बांग्लादेशी जनता के साथ रहना चाहिए, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट हैं हम नेचुरली सारे अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क में रहने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे हाई कमिश्नर बहुत एक्टिव होंगे इस वक्त, क्योंकि भविष्य में क्या होगा बांग्लादेश में, इस तो भारत पे असर पड़ेगा। ये तो नॉर्मल है, क्योंकि वो अगर आप देश मैप पे देखेंगे तो तीन कोने पे हम भारत है, बांग्लादेश तो सराउंडेड है हमारे। तो नेचुरली हमको काफ़ी इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश समाधान से और प्रगति से आगे बढ़े, वो हमारे भी इंटरेस्ट है। नहीं तो तकलीफ अगर वहाँ होंगे तो हमारे तरफ भी आ सकते। बांग्लादेश में काफ़ी भारतीय हैं, तो क्या उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा, क्या मांग की जा रही है? मेरे ख्याल में वहाँ तक नहीं पहुँचे, हम दो तीन दिन इंतज़ार करके देखेंगे क्या चल रहा है। जब ऐसे पॉपुलर विप्लव होता है तो कभी कभी कुछ एनर्की भी फैल जाती है, जैसे हमने देखा कल टीवी पे कितने लूट चल रहा है वहाँ, इस किस्म के भी हमला भी हो सकते हैं। लेकिन जितनी भी जल्दी आर्मी और पुलिस अथॉरिटीज़ ये लॉ एंड ऑर्डर पे वापस लेके आए कि समाधान स्थापित किया, तब तो हम हमारी चिंता कम हो सकती है। लेकिन ये आक्रमण, ये हमला हिंदुओं के खिलाफ और भारतवासियों के खिलाफ ज्यादा बढ़ने लगे, तब तो हमको दूसरे मेजर्स सोचना पड़ेगा।